मालवांचल की सीमांत जिले नीमच में नीलगाय के आतंक से किसान खासी परेशान हैं। नीलगाय झुंड के झुंड में आकर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती है, जिसे लेकर कई बार किसानों ने शिकायत की, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। इन दिनों किसान ने अपने खेतों में चना, गेहूं, लहसुन, अफीम की फसल बो रखी है। किसानों को अपनी फसल का ध्यान रखने के लिए ठंड के दिनों में दिन रात अपने खेतों पर ही रहना पड़ रहा है। पहले ही किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलने से निराश है, तो वहीं इस बार जिले में अधिक वर्षा के चलते किसानों की फसलों में नुकसान हुआ है। ऊपर से नीलगाय की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। किसानों का कहना है कि नीलगाय खेतों में झुंड के झुंड आते हैं और फसलों को चटकर लोट लगाते हैं। इसके लिए किसान को दिन रात खेतों पर ही अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ रही है। साथ ही नीलगाय से बचाव के लिए कुछ किसानों ने अपने खेतों पर तार फेंसिंग भी करवाए हैं। किसान का यह भी कहना है, कई बार वन विभाग के अधिकारियों को भी नीलगाय की समस्या से अवगत करवा दिया है, मगर अब तक इसका हल नहीं निकल पाया है। नीलगाय की तरफ से तो ज्यादा ही नुकसान होता है सर, आते हैं रात में नुकसान करके चले जाते हैं सर, क्योंकि देरी करनी पड़ती है इसके लिए, फेंसिंग लगानी पड़ती है सर, बाउंड्री बनानी पड़ती है इनके लिए, रात में लाइटें भी लगानी पड़ती है और चौकीदारी करनी पड़ती है। ये खाने में खा भी जाते हैं, पैरों से टूट भी जाती है, तो टूटने के बाद तो पौधा खत्म हो जाता है सर, या पेड़ लगने से पौधा खत्म हो जाता है। इधर से उधर भाग जाते हैं रात में और खेत में आके खाने लग जाते सर, ये रोड क्रॉस करके ना जाते हैं सर, बड़े छाव से खाते हैं सर ये अफीम की फसल। सर इसमें मुआवजे का प्रावधान ही नहीं है सर, जो भी खाई जाती है किसान को ही करना पड़ता है सर, मुआवजा तो इसमें मिलते ही नहीं है, कोई उपाय नहीं सर, हमें चौकीदारी हमें खुद ने पढ़ना पड़ती है, कोई कौन बताए सर उपाय इसका। वायर फेंसिंग करते हैं, बागड़ बनाते हैं चारों तरफ, जाली लगाते हैं। नील गाय एक स्थायी समस्या है जिसका निराकरण मल्टीपल डिपार्टमेंट जो है वो मिलके करेंगे, पर किसान को सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे उपाय जो हैं लोकल स्तर पर अपना के किसान को दूर रख सकता है अपने खेतों से, जिसमें खास तौर से दो तीन मुख्य उपाय हैं कि अपने खेत में किसान चाहे तो जो फिनाइल आती है गांव पे लगाने वाली, वो फिनाइल कुछ दियो में डाल के और अपने खेत में अलग अलग स्थानों पर वो रख दे मेड़ पे, तो उसकी जो गंध है उसकी वजह से, फिनाइल की गंध से नीलगाय आपके खेतों से थोड़ा दूर रहेगी। दूसरा उपाय है कि अगर आपने तार फेंसिंग कर रखी है तो सबसे बढ़िया है कि तार फेंसिंग से आपकी फसल ज़्यादातर अवस्था में सुरक्षित रहती है। इसके अलावा बाढ़ पे आप जो फिनाइल की गोलियां आती है कपड़े में रखने वाली नेफ्थलीन बॉल्स, उनको भी आप कपड़े वगैरह में बांधकर आप लटका सकते हैं 2-2.5 फीट की हाइट पर, तो उसकी गंध भी जो वातावरण में रहती है उसकी वजह से नीलगाय आपकी फसल से दूर रहती है। फिर नीलगाय की जो मिंगनियाँ होती है वो पानी में भिगो के अगर उस पानी का आप छिड़काव करते हैं अपनी फसल के ऊपर, तो भी नीलगाय की आपकी फसल से थोड़ा दूर रहती है, वो उसको नहीं खाती है। तो इस तरह के लोकल उपाय अपना के किसान जो है वो नीलगाय से अपनी फसल को बचा सकता है। अफीम की फसल चूंकि कृषि विभाग से संबंधित नहीं है तो मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा कि उसमें क्या मुआवजा मिलेगा, कितना मिलेगा, ये मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल है। पर जो अन्य सामान्य फसलें हैं उसके मुआवजे के लिए अगर फसल नुकसानी होती है और बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए किसान चाहे तो वन विभाग से संपर्क करके और वो अपना मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है।